एमए पूर्वार्ध के प्रिय बच्चों, आज हम आपको सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति क्या है, अर्थात प्रकृति का स्वरूप क्या है, इस प्रश्न को लेकर अपना व्याख्यान देने जा रहे हैं। आइए हम प्रकृति के विषय में सांख्यकारिका के आधार पर यह जान लें कि प्रकृति क्या है और उसको किन किन नामों से जाना जाता है। उस प्रकृति की सत्ता के विषय में क्या युक्तियां हैं, इस प्रकार के समस्त प्रकृति विषयक प्रश्नों को लेकर हम उसका समाधान करने के लिए समुपस्थित हुए हैं। प्रिय बच्चों, सांख्य दर्शन ने प्राथमिकता के साथ दो स्वतंत्र तत्वों का विश्लिष्ट वर्णन किया है। उनमें पहला जड़ तत्व है, जिसे प्रकृति के नाम से जाना जाता है, और दूसरा तत्व चेतन तत्व है, उसे पुरुष कहा जाता है। अर्थात प्रकृति जड़ है और पुरुष चेतन है। ये दो सांख्य दर्शन के अनुसार प्रमुख तत्व हैं। प्रकृति समस्त संस्कृति की जनयित्री है, अर्थात कॉज ऑफ द वर्ल्ड, और क्रिएटर सकल कर्मों की उत्पादयित्री है, अर्थात प्रोड्यूसर है, सकल सांसारिक श्रृंखलाओं की प्रसवित्री अर्थात ए मदर। कारण रहित इस जड़ प्रकृति को किसी ने जन्म नहीं दिया है, वह अजन्मा होकर भी सारी सृष्टि की जन्मदात्री है। यह अनवस्था दोष शून्य सृष्टि का आदि कारण होने के फलस्वरूप मूल प्रकृति कहलाती है। विलक्षण विभूति ऐहिक ऐश्वर्य समस्त सृष्टि संचालन की क्षमता तथा अपने जड़त्व के कारण अज्ञान या अविद्या रूप धारणी प्रकृति माया कहलाती है। यथा प्रकृति रीति उच्यते विचारोत्पादकत्वात् अविद्या ज्ञान विरोधत्वात् माया सृष्टिकरणत्वात्। यही समस्त विश्व का कारणभूत प्रथम मौलिक तत्व होने के कारण प्रधान भी कहलाती है। संसार के सभी कार्य अर्थात पदार्थ व्यक्त हैं और इसका अंतिम कारण प्रकृति स्वयं अव्यक्त है। कहने का तात्पर्य यह है कि संसार का समग्र क्रियाकलाप या कर्म जाल अव्यक्त रूप से इसी प्रकृति में संलग्न है, अतः यह अव्यक्त भी है। अतिंद्रिय होने के कारण प्रकृति का प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता, अतः प्रकृति के कार्यों से ही उसका कारण रूप में अनुमान किया जाता है। अतः प्रकृति का एक नाम अनुमान भी है। यह जड़ और अचेतन है, यह विवेक शून्य है, स्वतंत्र है, नित्य है, एक है एवं सामान्य या अनेक पुरुष भोग्य है, अर्थात पुरुष द्वारा ज्ञेय है। मूल कारण भूत प्रकृति में समस्त कार्यों को उत्पन्न करने की शक्ति है, अतः इसका एक नाम शक्ति भी है। यह इसलिए भी कि प्रकृति गतिशील है, प्रकृति प्रसव धर्मिणी है। यहां प्रसव के दो अर्थ हैं, उत्पत्ति और परिणाम। प्रकृति
समस्त जड़ जगत की जननी है, सारी दुनिया उसी से प्रसूत है, इसीलिए वह प्रसव धर्मिणी है। बहुविध पदार्थों की सर्जिका है, इसमें विरूप या स्वरूप परिणाम होता रहता है, इस अर्थ में भी प्रसव धर्मिणी है। यथा सांख्यकारिका में कहा गया है, त्रिगुणम अविवेकी विषयः सामान्यम अचेतनम प्रसव धर्मी। प्रकृति का एक नाम शक्ति भी है, क्योंकि यह सतत गतिशील है और सृष्टि के समस्त कार्यों को उत्पन्न करने की इसमें शक्ति भी है, यह हम पूर्व में कह चुके हैं। प्रकृति त्रिगुणात्मिका है, इसमें सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों का समाहार है। ये प्रकृति के कार्य हैं और प्रकृति इनका कारण है। त्रिगुणात्मिका शक्ति सुख दुख मोहात्मक है, फिर भी अचेतन होने के कारण अनुभूति शून्य है। त्रिगुणात्मिका प्रकृति में सत्व का स्वरूप श्वेत वर्ण, रजस का रक्त वर्ण और तमोगुण का स्वरूप कृष्ण वर्ण है, अर्थात सत्वगुण सफेद होता है, रजोगुण लाल होता है और तमोगुण का वर्ण काला होता है। अतः प्रकृति त्रिरूपात्मिका है। प्रकृति को किसी ने जन्म नहीं दिया, अतः यह एक अदा कहलाती है। इसके प्रारंभ का कोई पता नहीं लगने के कारण यह अनादि कहलाती है। सांख्यकारिका के व्याख्याकार कहते हैं कि प्रकृति को अजा, एका, अविनाशिनी, त्रिरूपात्मिका, सकल संसार की उत्पादन कर्त्री कहना चाहिए। सांख्य प्रवचन भाष्य में लिखा है, अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम भविम प्रजाम सृजमानाम नमामः। सांख्य दर्शन ने गुणों की साम्यावस्था का नाम प्रकृति कहा है। यथा सांख्य प्रवचन भाष्य में कहा है, गुणानाम साम्यावस्था प्रकृति। सत्व, रजस और तमस ये तीनों गुण कार्य हैं और इन्हीं गुणों के कारण को प्रकृति कहते हैं। ये तीनों गुण ही प्रकृति के अंग प्रत्यंग हैं, उपादान तत्व हैं, उनके स्वरूप हैं। फिर भी ये प्रकृति के स्वभाव नहीं, स्वरूप हैं। प्रकृति का निजी स्वभाव इन तीनों गुणों से भिन्न है। प्रकृति इन गुणों का न तो आधार है और न आधेय ही। इन दोनों का आधार आधेय संबंध न होकर तादात्म्य संबंध है। यह जड़ जगत सर्ग के समय प्रकृति के गर्भ से कार्य रूप में अभिव्यक्त होता है, फिर प्रलय के समय प्रकृति के गर्भ में ही विलीन हो जाता है। जड़ जगत चेतन, आत्मा, ब्रह्म या पुरुष का कारण नहीं हो सकता, अन्यथा यह जड़ जगत भी चेतन आत्मस्वरूप बन जाता। अचेतन परमाणु भी जगत के कारण नहीं हो सकते, क्योंकि उनसे बुद्धि, अहंकार और मन प्रवृत्ति सूक्ष्म तत्वों की, जो चैतन्य को प्रतिबिंबित करते हैं, उत्पत्ति नहीं हो सकती। वे अनेक रूप में जगत में अनुस्यूत रहते हैं। एकता किसी एक कारण की ओर ही संकेत करती है। इस संकेत से भी यह स्पष्ट हो जाता है कि एकमात्र कारण प्रकृति ही है। गुणों की दो अवस्थाएं हैं, साम्यावस्था तथा विषमावस्था या क्षोभावस्था। प्रथम अवस्था मूल या आदि अवस्था है, इसी अवस्था का नाम प्रकृति है। यानी साम्यावस्था का नाम ही प्रकृति है। यह सृष्टि की अवस्था नहीं बल्कि लयावस्था है। इस अवस्था में तीनों गुण अपने आप में लीन हो जाते हैं
इस अवस्था में तीनों गुण अपने आप में उपस्थित रहते हैं। दूसरी अवस्था विषम या क्षोभ की है। इस अवस्था में पुरुष के संयोग से प्रकृति विक्षुब्ध होती है, एक भीषण आंदोलन उत्पन्न होता है, एक गुण दूसरे गुण पर हावी होना चाहता है। सर्ग या सृष्टि की यही अवस्था है। गुणों में क्षोभ के कारण प्रकृति की साम्यावस्था नष्ट हो जाती है तथा त्रिगुणात्मक संसार की सृष्टि होने लगती है। अतः गुणों की साम्यावस्था अर्थात प्रकृति गुणों के निजी स्वरूप में अवस्थित होने की अवस्था है, यही प्रकृति है। सांख्य दर्शन में प्रकृति की स्वतंत्र सत्ता सिद्ध करने के लिए निम्नलिखित पांच युक्तियां दी गई हैं। सांख्य कारिका में कहा गया है, भेदानां परिमाणात् समन्वयात् शक्तितः प्रवृत्तेश्च कारण कार्य विभागात् अविभागात् वैश्वरूपस्य। प्रथम युक्ति है, भेदानां परिमाणात् कार्य और कारण में भेद है। संसार के सारे पदार्थ, मन, बुद्धि, इंद्रियादि सभी कार्य हैं। ये सारे कार्य अपने मूल प्रकृति की ओर संकेत करते हैं। इस सृष्टि के सारे पदार्थ सीमित, परिमित, परतंत्र, अव्यापक, शांत और अनेक हैं। यहाँ तर्क संगत युक्ति यह है कि प्रत्येक सीमित पदार्थ असीमित की ओर, परतंत्र स्वतंत्र की ओर एवं शांत अनंत की ओर उन्मुख होता है। इससे यह सिद्ध होता है कि सृष्टि के सकल पदार्थों का मूल कारण अवश्य ही असीमित, अपरिमित, स्वतंत्र, व्यापक और अनंत होना चाहिए और यह कारण स्वयं प्रकृति है। फलतः आविर्भाव काल में सृष्टि के सारे पदार्थ अनेकता में तथा तिरोभाव काल में एकता में सिमट जाते हैं। इन भेदों के परिणाम से प्रकृति का अस्तित्व सिद्ध या प्रमाणित होता है। दूसरी युक्ति दी है, समन्वयात् अर्थात पदार्थों के समन्वय से प्रकृति का अस्तित्व प्रमाणित होता है, क्योंकि प्रकृति को त्रिगुणात्मिका कहा गया है। वैश्विक विविधताओं से भला कौन अपरिचित है। इन विविध पदार्थों के सम्मिलित स्वभाव को त्रिगुणात्मक कहा गया है। ये त्रिगुण है सत्व, रज और तमोगुण। तात्पर्य यह है कि सतोगुण सुखात्मक, रजोगुण दुखात्मक एवं तमोगुण मोहात्मक हैं। इसीलिए यह प्रकृति त्रिगुणात्मिका है। इन तत्वों या पदार्थों का मूल कारण भी यह प्रकृति ही है। इस तरह तीनों गुणों के स्वरूप का समन्वय प्रकृति में ही होता है। इसी समन्वय से प्रकृति के अस्तित्व का बोध संभाव्य है। तीसरी युक्ति दिया, शक्तितः प्रवृत्तेश्च कारण की क्षमता या शक्ति पर ही कार्यों की उत्पत्ति निर्भर करती है। यह सर्वविदित है कि सशक्त कारण से ही सक्षम कार्योत्पत्ति की संभावना बनती है। जैसी मिट्टी वैसे घड़े, जैसे धागे वैसे कपड़े बनते हैं, इसी प्रकार शरीर, बुद्धि, मन, इंद्रिया प्रभृति व्यक्त त्रिगुणात्मक जगत को उत्पन्न करने में अव्यक्त प्रकृति ही सशक्त है। इससे प्रमाणित होता है कि सशक्त प्रकृति ही जड़ जगत की प्रवृत्ति का मूल कारण है। चौथी युक्ति दी गई है, कारण कार्य विभागात् कारण से कार्य की उत्पत्ति भी प्रकृति की सत्ता सिद्ध करती है। बच्चों, सत्कार्यवादी सांख्य दर्शन के अनुसार कार्य अपनी उत्पत्ति के पूर्व कारण में विद्यमान रहता है। कार्य का आविर्भाव ही कारण से होता है। विकासक क्रम में पृथ्वीव्यादि कार्यों का आविर्भाव तन्मात्राओं से, तन्मात्राओं का अहंकार से, अहंकार का बुद्धि से एवं बुद्धि का महत्व अर्थात अव्यक्त प्रकृति से होता है। सांख्य दर्शन के विकास का यह विभाग सिद्ध करता है कि अव्यक्त कारण से ही समस्त व्यक्त कार्य उत्पन्न होते हैं। यह अव्यक्त कारण
स्वयं प्रकृति है। पांचवी युक्ति दी है अविभागात वैश्वरूपस्य, अर्थात विश्व के समस्त व्यापार यानी कार्य अपनी अव्यक्तावस्था में बीज रूप से अपने कारण में विलीन हो जाते हैं। अव्यक्तावस्था में कार्य कारण में एक रूपता आ जाती है, अविभाग या अभेद संबंध हो जाता है। प्रलय के बाद सृष्टि और सृष्टि के बाद प्रलय का चक्र अनादिकाल से चलता रहता है। पृथ्वी आदि कार्यों का तन्मात्राओं में, तन्मात्राओं का अहंकार में, अहंकार का बुद्धि में एवं बुद्धि का प्रकृति में तिरोभाव हो जाता है। इस प्रकार सभी कार्यों के तिरोभाव या लय से प्रकृति का अस्तित्व सिद्ध होता है। इस प्रकार प्रिय बच्चों, आज हमने आपको यह बतलाया कि प्रकृति क्या है, प्रकृति का स्वरूप क्या है और उस प्रकृति की सत्ता के संदर्भ में कौन सी युक्तियां हैं जिनसे उसे सत के रूप में जाना जा सकता है। अगले वीडियो में हम सांख्यकारिका का नया विषय लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम।